कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सभी राज्यों की सरकारों को काफी परेशान भी किया हुआ है। कई राज्य की सरकारों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है, तो साथ ही कई तरह की एडवाइजरी भी जारी कर दिया, और इसी कारण एहतियात के तौर पर बिहार की राजधानी पटना, जिला प्रशासन और पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। आज यानी कि मंगलवार से बगैर मास्क के पकड़े जाने पर पटना पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है। आपको बता दें कि बिना मास्क के सड़क पर घूमते या गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर वैसे लोगों के खिलाफ पुलिस न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूल करेगी। आपको बता दें, हालांकि बिहार में जुर्माने की रकम काफी कम है, बिना मास्क वालों से 50 रुपया ही जुर्माना के रूप में वसूल किया जाएगा। लेकिन एक बात पटना के प्रभारी SSP ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोविड की वजह से बनाए गए नियमों को लगातार तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस अपने बयान पर FIR दर्ज कर सकती है। तो वहीं IPC की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं के तहत लगातार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो वैसे लोगों की पहचान कर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। 24 नवम्बर जो की आज है, और 24 नवंबर से पटना की तमाम भीड़भाड़ वाली जगहों और चौक चौराहों पर पटना पुलिस किसी भी वक्त चेकिंग लगा सकती है। अगले एक महीने तक रैंडमली अलग अलग जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि लोग अपने घरों से निकले तो पहले मास्क लगाकर जरूर निकले और कोरोना वायरस के तहत बनाए गए नियमों का पालन करें। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।